इस वक्त एक बड़ी खबर इटावा से, आपको बता दें लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ, बस और डंपर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। हादसे में 4 की मौत हो गई है जबकि 42 से ज्यादा घायल बताए गए हैं। तो इटावा में हादसा हुआ लखनऊ एक्सप्रेसवे पर, यह बड़ा हादसा, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बस और डंपर की टक्कर हुई है इटावा में और 4 लोगों की जान गई है जबकि 42 लोग जो है उनकी इस हादसे में स्थिति जो है वो बेहतर नहीं बताई जा रही, यानी कि घायल हुए लोग सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल मौके पर उच्च अधिकारी जो है वो भी पहुंचे हुए हैं और हालात का जायजा भी उनकी तरफ से लिया गया है। लेकिन बड़ा हादसा जो है वो इटावा में देखने को मिला है एक्सप्रेसवे पर, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से अधिकारीगण जो है वो भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर मौके पर इस हादसे को लेकर जानकारी लेने के लिए। अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया है सभी घायलों को। 4 लोगों की इस हादसे में मौत की खबर फिलहाल सामने आई है। तो इटावा में ये पूरा हादसा हुआ, त्योहारों का समय और इस वक्त ये दुखद खबर सामने निकल के आई है। बता दें आपको 4 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं जबकि जो बाकी लोग थे तकरीबन 42 संख्या भी सामने आई है। 42 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल बताए गए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है, उपचार दिया जा रहा है। उच्च अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे हुए जानकारी ले रहे हैं। अमित इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या जानकारी, किस तरीके से हादसा हुआ, किस वक्त ये हादसा हुआ? देखिए आपको बता दें ये पूरा मामला इटावा जनपद के थाना सैफई इलाके के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का देर रात करीब 2:30 बजे का बताया जा रहा है, जहां पर लखनऊ से आगरा की तरफ जा रही एक प्राइवेट बस है जो कि आगे चल रहे डंपर में जा घुसी है और इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसमें मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल है। जैसे घटना की जान जा रही एक बस आगे चल रही एक ट्रक से टकरा रही है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल मौके पर गया और जो भी घायल थे उनको सैफई मेडिकल कॉलेज एडमिट कराया गया। इस पूरे घटनाक्रम में 4 लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें एक लगभग 7 साल की बच्ची है, ड्राइवर और दूसरा ड्राइवर, इसमें 2 ड्राइवर की मृत्यु हुई है और 2 सवारी है, एक बच्ची है और इस तरह के मिला करके 4 लोगों की मृत्यु हुई है और 41 लोग सैफई मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। घटना की सूचना मिलने पर तत्काल सैफई के इंस्पेक्टर में पुलिस बल के CO सैफई, SDM सैफई, ADM और SP ग्रामीण मौके पर पहुंच गए थे। मैं और DM साहब भी मौके पर गए और सैफई हॉस्पिटल जाकर के लोगों के अच्छे ट्रीटमेंट की व्यवस्था कराई गई है। तो फिलहाल ये बता दें आपको लगातार अधिकारी जो है वो नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर। ये बता दें आपको लगातार अधिकारी जो है वो नजर बनाए हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर।